हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इवन नंबर, देखिए फ्रेंड्स, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर्स, एन इवन नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड और डिविजिबल बाय टू। वो नंबर होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे जीरो भी टू से डिवाइड हो जाता है, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। जो हम ये भी कह सकते हैं जो टू के टेबल में आते हैं या जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं? एन ऑड नंबर इज ए नंबर दैट कैनॉट बी डिवाइडेड और डिविजिबल बाय टू, जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं। उसके बाद आता है कि इवन जो नंबर होते हैं वो सब जो होते हैं एंड कहाँ से होते हैं? जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट। जो नंबर एंड टू, फोर, सिक्स, एट से होते हैं या जीरो से होते हैं, उनको हम इवन नंबर कह सकते हैं। हम सिंगल डिजिट वाले नंबर्स में ही नहीं, इवन कि जहां पर टू डिजिट नंबर होते हैं, जैसे 24, हम 26 या हम 2016, इस तरह के, ये देखो 6, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 28, 8, इस तरह के अगर टू डिजिट नंबर है यहां पर हमारे पास, तो जो नंबर्स एंड विद इवन नंबर या इस तरह के नंबर से एंड होते हैं, 4, 6, 8, इस तरह के नंबर से एंड होते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो एंड किससे होते हैं? 1, 3, 7, 5, इस तरह। सिंगल डिजिट तो हमें पता है, 1, 3, 5, 7, 9 जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, लेकिन अगर टू डिजिट नंबर होता है हमारे पास, तो जो एंड विथ, जिनकी एंडिंग जो है 1, 3, 7, 5, इस तरह से होती है, उनको भी हम ऑड नंबर ही कहते हैं। हम इस तरह से भी बच्चे को बता सकते हैं, डिवाइड ए नंबर, इस तरह अगर हम बच्चे को काउंटिंग लिख के दे देते हैं, हम बच्चे को वन बाय वन डिवाइड करने के लिए बोलते हैं, वन को डिवाइड करो आप टू से, तो ये बच्चा तो क्योंकि इस तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वन इज अ स्मॉल और टू जो है बिग है। उसके बाद हम बच्चे को बोलते हैं इस तरह से कि टू डिवाइडेड बाय टू, आप अगर टू डिवाइडेड बाय टू इस तरह करो, टू वन जा टू, इस तरह क्रॉस करेंगे या हम जीरो लगाएंगे यहां पर, तो हम बच्चे को यहां पर इस तरह से बता सकते हैं, जिस भी नंबर को डिवाइड करने के बाद, जिस भी नंबर को डिवाइड करने के बाद जब उसका रिमाइंडर जीरो आता है तो हम उसको इवन नंबर कहते हैं, जब जिस नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर वन आता है तो हम उसको ऑड नंबर कहते हैं, जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आए हम उसको इवन नंबर कहते हैं, जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर वन आए हम उसको ऑड नंबर कहते हैं। इस तरह से हम बच्चे को बता सकते हैं, और इस तरह भी हम बता सकते हैं थ्रू पेयरिंग एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह की मैंने पिक्चर्स बनाई हैं। अब हम इसमें बच्चे को बताएंगे जो भी पिक्चर्स पेयर बना रही हैं वो उसके जो नंबर होता है वो क्या होता है? इवन नंबर। जो पेयर बनाती हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो पेयर नहीं बनाती है उनमें से कोई पिक्चर रह जाती है, जिसका कोई पेयर नहीं होता उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। अब यहां पर तो कोई पिक्चर नहीं है क्योंकि जीरो है, जीरो मीन्स नथिंग, इसकी कोई पिक्चर नहीं होगी। अब यहां पर है वन, वन की एक पिक्चर है, लेकिन यहां इसका कोई भी पेयर नहीं है, इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो हम इसको ऑड नंबर बोलेंगे। अब यहां पर टू, ये दोनों पेयर बना रहे हैं तो ये इवन नंबर है। यहां पर ये दो पेयर बना रहे हैं लेकिन ये एक अकेला रह गया है तो ये ऑड नंबर। ये दोनों पेयर बना रहे हैं और ये दोनों भी पेयर बना रहे हैं तो ये इवन नंबर। यहां पर कोई भी पिक्चर नहीं हमारे पास पीछे बची है, यहां पर पेयर बन गया यहां पर और इसका पेयर बन गया, लेकिन यहां पर फिर एक पिक्चर बच गई है। यहां पर हम पेयर इस तरह से बना सकते हैं, पेयर इस तरह से, और ये यहां पर भी कोई पिक्चर नहीं बची है,
तो यहाँ पर इसको हम इस नंबर को इवन बोलेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर भी पिक्चर बच गई है, तो इस तरह से ये जो है ऑड नंबर है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये 4 पेयर बन गए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 पेयर तो बने हैं, लेकिन यहाँ पर एक पिक्चर लेफ्ट है, यहाँ पर एक पिक्चर बच गई है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन के थ्रू बताएंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी पिक्चर है जो नहीं है, कोई भी पिक्चर अकेले नहीं है, और यहाँ पर इधर भी अकेली है पिक्चर, इधर भी अकेली, इधर भी अकेली है, इधर भी अकेली है और इधर भी अकेली है। तो इट मीन्स जो 1, 3, 5, 7, 9 है ये ऑड नंबर्स हैं जो अपना पेयर नहीं बना पा रहे हैं, और 0, 2, 4, 6, 8 ये पेयर बना पा रहे हैं, तो ये इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर पेयर वाले होते हैं और ऑड नंबर्स विदाउट पेयर होते हैं। इस तरह से हम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम बच्चे को इस तरह से 1 से 100 तक काउंट, 50 तक काउंटिंग लिखने के लिए बोल सकते हैं, और हम बच्चे को इस तरह से बोल सकते हैं सर्कल ऑल द ऑड नंबर्स, सर्कल ऑल द ऑड नंबर। इस तरह से बच्चा ऑड नंबर्स को सर्कल करेगा, सर्कल ऑल द ऑड नंबर्स। बच्चे को सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, 5, 5 ऑड नंबर्स को सर्कल करेगा। इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं क्रॉस ऑल द इवन नंबर्स इस तरह से, या सर्कल ऑल द इवन नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम बच्चे को इस तरह की एक्सरसाइज दे सकते हैं जिससे उसको पता चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम बच्चे को ये भी बता सकते हैं जो इवन नंबर होता है वो हमेशा ऑड नंबर्स के बीच में आता है, ऑड नंबर्स के बीच में आता है। अगर हमारी काउंटिंग 50 तक है, अगर हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और हम 50 तक एंड करते हैं, या हम 100 तक एंड करते हैं, तो हमारा जो इवन नंबर है वो हमेशा 2 ऑड नंबर के बीच में आएगा, 2 ऑड नंबर के बीच में आएगा, 2 ऑड नंबर के बीच में आएगा। इसी तरह हम बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।